टीवी न्यूज चैनलों का हिंदू मुस्लिम का खेल कर्नाटका में नहीं चला, कांग्रेस जीत गई। तो अब बड़े बड़े न्यूज एंकर और उनके चिल्लम चिल्ली में भाग लेने वाले तमाम ज्ञानी लोग कर्नाटका कांग्रेस के पांच बड़े वादों के पीछे पड़ गए। क्या थे ये पांच वादे? हर घर में एक महिला को 2000 रुपए मासिक भत्ता, हर डिग्री वाले बेरोजगार को नौकरी न मिलने तक मासिक भत्ता, गरीब परिवारों में हर एक को हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और औरतों को फ्री बस पास। अब न्यूज एंकर और टीवी के ज्ञानी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका पैसा कौन देगा? उनका कहना है इन सब को लागू करने में लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा लगेंगे, जो कि कर्नाटका के इस साल के बजट का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। और इससे कर्नाटका के बजट में जो घाटा है वो लगभग डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और अगर घाटा बढ़ा तो आखिर में जाकर इसका बोझ टैक्स पेयर पर ही पड़ेगा। पहली बार एंकर लोग बड़े परेशान हैं। यही चीजें जब केंद्र सरकार देती है तो उनको बेचारे टैक्स पेयर की याद नहीं आती है, लेकिन अभी ऑपोजिशन की सरकार है तो दुख तो थोड़ा होगा ही। लेकिन ये सारी बातें, सारे सवाल बिल्कुल बकवास है। पहली बात तो ये है, 2023-24 का जो बजट है, पहले पिछली सरकार जो कि हार गई है उन्होंने बनाया था। अब नई सरकार आई है, नया बजट बनेगा, नई कांग्रेस सरकार चाहे तो पूरा बजट बदल सकती है। जिन चीजों पर पिछली बीजेपी सरकार खर्च करना चाहती थी वहां से निकालकर अपने पांच वादों पर खर्च कर सकती है। ये तो आप पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा दिलचस्प है। राज्य सरकारों के पास अपनी आमदनी बढ़ाने के उपाय बहुत कम रह गए हैं, इसलिए वो जितना खर्चा करती है उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। केंद्र सरकार इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये सब लेती है और उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों में बांट देती है। साथ में केंद्र सरकार अपने बजट का एक और हिस्सा राज्य सरकारों को ट्रांसफर करती है, इसको ग्रांट इन एड कहा जाता है। तो ये दो रास्ते हैं जिससे केंद्र सरकार में से राज्य सरकारों का को पैसा जाता है। अब कोविड आने से पहले के पांच साल अगर हम ले लें, 2016-17 से 2019-20, तो कुल जितना टैक्स का हिस्सा केंद्र ने राज्य सरकारों को दिया, उस टोटल को अगर हम आसानी से समझने के लिए 1,000 रुपए मान ले, तो उसमें से 47 रुपए कर्नाटका को मिले थे। साथ में अगर ग्रांट इन एड को भी 1,000 माने तो उसका 54 रुपए कर्नाटका को मिले थे। अब दोनों को मिलाकर देखें तो जितना कुल ट्रांसफर राज्य सरकारों को दिया गया उसका उसको फिर से 1,000 लेते 39 रुपए उसमें से कर्नाटक सरकार को गए। ये कोविड के पहले के पांच सालों के औसत की बात कर रहा हूं, लेकिन 2020-21 में ये बदल गया। नया फाइनेंस कमीशन बैठा और उन्होंने कर्नाटका का जो हिस्सा है उसको घटा दिया। इस साल 2023-24 के बजट में जितना टैक्स राज्यों को ट्रांसफर होना है उसमें कर्नाटका का हिस्सा अब 1,000 में 47 से गिरकर 36 रुपए पर आ गया और ग्रांट का हिस्सा 54 रुपए से घटकर सिर्फ 22 रुपए पर आ गया। टोटल ट्रांसफर ले तो उसका जो हिस्सा है जो पहले 1,000 में 39 रुपए था अब वो 31 रुपए हो गया है। इस साल अगर कर्नाटक को पुराने सिस्टम से पैसा मिलता तो लगभग 30,000 करोड़ ज्यादा मिलता। चलिए, लोग कहेंगे कि फाइनेंस कमीशन का एक लॉजिक था, जिन राज्यों में गरीबी कम है उन राज्यों से लेकर गरीब राज्यों में पैसा देने का प्लान बनाया गया था, और ये सही भी है। आखिर कर्नाटका के लोगों की औसत आय अगर हम ले तो उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना में 4.5 गुना है। इसका मतलब दोनों राज्यों को अगर सेम लेवल पर लाना है तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा और कर्नाटका को कम देना पड़ेगा, ये सही बात है। लेकिन खेल यहाँ खत्म नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि केंद्र सरकार को जो भी टैक्स आज से आए हैं उसका 41% राज्यों को बांटना पड़ेगा। ये पहले की तुलना में कम था वैसे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है। इससे पहले केंद्र को 42% देने की बात कही गई थी, लेकिन इस साल सरकार 41% की जगह सिर्फ 31% राज्यों में बांट रही है। इसका मतलब फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जितना कर्नाटका को मिलना चाहिए
उससे 12.5 करोड़ कम मिल रहा है। अगर ग्रांट ले तो उसमें भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कम दे रही है। पहले केंद्र की कुल बजट में से 17% राज्यों को ग्रांट मिलता था, अब वो 13% हो गया है। इससे कर्नाटका का हिस्सा लगभग 3,800 करोड़ कम हो गया। दोनों को जोड़े तो केंद्र से इस वक्त कर्नाटका सरकार को जितना मिलना चाहिए था उससे लगभग 16,500 करोड़ रुपए कम मिल रहे हैं। सिर्फ कर्नाटका को नहीं, फाइनेंस कमीशन के मुताबिक राज्य सरकारों को जितना मिलना चाहिए उससे सभी को कम मिल रहा है। ये पैसा अगर कर्नाटका को मिल जाता तो जो एक्स्ट्रा खर्चा गरीबों पर होने वाला है उसका एक तिहाई यहीं से निकल जाता और बाकी बीजेपी सरकार की पुरानी बजट को बदलकर खर्चा इधर से उधर करके निकाला जा सकता था। कुल खर्च बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल पर यह बात आपको सुनाई कभी नहीं देगी। इसलिए अगर आप सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले आपको पता चले कि हमारा नया वीडियो अपलोड हो गया है। हाँ, लाइक बटन भी दबाते हुए जाइए। अगली बार तक नमस्कार।